Today we have with us a former India Test cricketer who has represented India across all formats, one of the domestic greats and one of the most revered wicketkeeper batsmen in India, Mr. Naman Ojha. Welcome to Zoom Cricket, Naman sir. Thank you, Aditya. Thank you for having me. It's really great to join Zoom Cricket with an interview, I think. तो बिफोर वी बिगिन विथ एनीथिंग सर आप बताइए आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई क्रिकेट में। मैं देवास में रहता था एक्चुअली पहले नानी के यहाँ पे, तो वो सामने क्रिकेट खेलते थे वहां पे ग्राउंड में, तो मैं वो देखता था, वो देख के खाना वगैरह खाता था। फिर वहां से मैं पापा के पास चला गया रतलाम, तो रतलाम में मैं घर के अंदर बहुत सारे कांच वांच तोड़ता था, खेलता था। तो चाचा ने बोला इसको ग्राउंड पे भेजो, एटलीस्ट ये तोड़ना ताड़ी थोड़ी घर में कम करेगा। फिर तो मैं वहां से ग्राउंड जाना स्टार्ट हो गया। फिर वहां से मैंने आशुतोष क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया मैंने। फिर वहां में रहा 2 4 6 महीने, साल भर में वहां खेला। फिर अरुण सिंह सर आ गए, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर डाला, तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग उसी कोचिंग सेंटर में चले गए, वहीं पे हम लोग सीखने लगे क्रिकेट। फिर उसके बाद में वहां से मैं इंदौर आ गया खेलने के लिए। मैं 10th पास आउट हुआ, और फिर हालांकि 9th में आने वाला था, पर पिताजी ने बोला कि एटलीस्ट 10th पास कर लेगा तो अच्छा रहेगा, तो मैं वहां से इंदौर आ गया। फिर मैं यहाँ पे सीसीआई क्लब में खेलने लगा, संजय जगदाले सर के अंडर में। और उसके बाद फिर 2 3 साल के बाद में मैं अंडर 19 टीम में आया। मैंने यूपी के सामने 180 बनाया बिफोर डे वन, बिफोर लंच आई गॉट माई 100। तो करेक्ट बस फिर मैं रणजी टीम में पिकअप हो गया। फिर वहां से मैं धीरे धीरे खेलने लगा, इम्प्रूवमेंट। फिर मेरे को पता पड़ा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, फिर मेहनत करने लगा, फिर धीरे धीरे, एंड दैट्स हाउ इट गोज टिल नाउ। नॉट मेनी पीपल नो दैट यू हैव क्लोज टू 16,000 रन्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स यस, ऑलमोस्ट 10,000 फर्स्ट क्लास में आपने मारा है। सो हाउ वाज योर जर्नी सो फार इन डोमेस्टिक सर्किट विद मध्य प्रदेश फर्स्ट क्लास में आई थिंक क्लोज टू 10,000 रन है, और बस अक्रॉस ऑल फॉर्मेट 16,000 रन है। तो एंजॉय किया मैंने ये जर्नी, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि मुझे खेलने में मजा आता था, मुझे बैटिंग में मजा आता था, कीपिंग में भी मजा आता था। तो मैं मतलब मैं, और मेरे को ओपन करता था, तो मुझे बैटिंग का बहुत ज्यादा था कि मेरे को रन बनाने हैं, एवरी डे एवरी इनिंग एवरी मैच मेरे को स्कोर करना है, बड़ा स्कोर करना है। तो बस वैसा ही मेरे अंदर था कि मुझे रन बनाने हैं। आज भी मैं कहीं खेलता हूँ लीग्स वगैरह, कोई छोटा मोटा लीग्स खेलने जाता हूँ, तो यही रहता है कि रन बनाना है, रन बनाए बिना मजा नहीं आता है। तो आई मेक श्योर दैट मेरी प्रिपरेशन फिटनेस वगैरह सब ठीक ठाक रहे। सर? अगर आपको आई मीन ऑब्वियसली काफी सारे मोमेंट्स रहे होंगे आपके करियर में, बट अगर कोई 5 मेमोरेबल मोमेंट्स आपके टॉप कौन से रहेंगे क्रिकेट में? तो टॉप मेमोरेबल सबसे पहले कि मेरा जो फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ अगेंस्ट हैदराबाद, वो मेरा सबसे अच्छा पल था। फिर उसके बाद में जब मैंने रणजी ट्रॉफी के अंदर, एक बार मैंने चैलेंजर ट्रॉफी में 96 रन बनाए थे, तो वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में 100 बनाया था, ऑस्ट्रेलिया ए के सामने, आई थिंक वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। फिर टेस्ट टीम में मैं सेलेक्ट हुआ, आई थिंक वो सबसे अच्छा मोमेंट रहा मेरी लाइफ में। और मैं वनडे, एक वनडे खेला हूं मैं, तो एक वनडे जो मैं श्रीलंका के सामने मेरा डेब्यू हुआ, आई थिंक वो दिन भी बहुत अच्छा था। तो ये चार आपको पांच दिन टेस्ट है। याद है सर? पीछे याद है अभी भी? आई थिंक विराट कोहली ने मेरे को कैप दिया था। बढ़िया। क्या क्या इंटरेक्शन हुआ था आपका उस दिन विराट से? पहले हम लोग चेन्नई के अंदर ऑस्ट्रेलिया ए के सामने टूर्नामेंट खेल रहे थे, वहां पे ऑलरेडी हम लोग खेल रहे थे, तो विराट आके लास्ट मैच खेला था इंडिया ए की तरफ से। तो जब हमारी बात हुई थी कि क्या सोचते हो, क्या करते हो, कैसे क्या करना है, तो वो सारा उसने मेरे को चेन्नई में बताया था। एंड देन साहा गॉट इंजर्ड, और मेरे को कॉल आया कोलंबो टेस्ट के लिए। तो और विराट ने एक ही बात बोली कि खेलना है, बस बॉल टू बॉल खेलते जाना है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो बस यही था। आपने 22 फर्स्ट क्लास रन मारे, बट विच हैव बीन द मोस्ट मेमोरेबल फॉर यू इन डोमेस्टिक सर्किट?
सबसे अच्छा डोमेस्टिक सर्किट के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मैंने राजस्थान के सामने ग्वालियर के अंदर ग्रीन विकेट के ऊपर 100 बनाया था, 135 बनाए थे मैंने, तो आई थिंक वो सबसे मेरा बेस्ट था क्योंकि हमारी टीम की पोजीशन बहुत डाउन थी। हम लोग फर्स्ट इनिंग में 66 ऑल आउट मतलब हो गए थे। ग्रीन विकेट था, ठंड का टाइम था, बॉल काफी मूव कर रहा था। पंकज सिंह, दीपक चाहर और ऋतुराज सिंह बॉलिंग डाल रहे थे। वो स्विंग कंडीशन पे आई थिंक मैंने सेकेंड इनिंग में जाके 135 बनाए थे, तो ये मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था जब मैंने वो रन बनाया था, वो मेरा बेस्ट 100 रहेगा। एक मैंने लाली के अंदर 100 बनाया था। लाली काफी एक ऐसा ग्राउंड माना जाता है कि जहाँ पे अब काफी सीमिंग कंडीशन होती है, तो वहां पे मैं 160 बनाया था हरियाणा के सामने डे वन, तो आई थिंक वो सबसे, वो भी मेरा बहुत अच्छा टर्न था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने 100 बनाया था ऑस्ट्रेलिया के सामने फर्स्ट टेस्ट के अंदर, फर्स्ट अनऑफिशियल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ए के सामने, आई थिंक वो भी मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था। तो और थैंक यू, तो वो मेरे सबसे बेस्ट मोमेंट थे। सर ऑस्ट्रेलिया आएगा तभी अटैक किया था उस टाइम। ऑस्ट्रेलिया ए का जेम्स फोकनर था, बेन कटिंग, एक सेयर करके फास्ट बॉलर था, वो थे जो अभी शायद बॉलिंग कोच हैं वहां पे। और एक और आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ कोई नाम, तो ये तीन चार फास्ट बॉलर्स। आपके दौर के टाइम MS धोनी तो बिल्कुल, यानी ही वाज़ द परमानेंट फिक्स्चर। देन वी आल्सो हैड द लाइक्स ऑफ रॉबिन, दिनेश कार्तिक। सो हाउ स्ट्रेसफुल वाज इट फॉर यू डिस्पाइट परफॉर्मिंग एट डोमेस्टिक लेवल एंड नॉट बीइंग एबल टू बी द फर्स्ट चॉइस कीपर डिस्पाइट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन ऑब्वियसली। नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा कंपटीशन उनसे है। मैं सोचा था कि वो भी खेले मैं भी खेलूं, क्योंकि मैं एज अ बैट्समैन खेल सकता था, मैं ओपन करता था, रन बनाता था, तो मेरा यही था कि जरूरी नहीं है कि दो कीपर, आज भी दो कीपर खेलते हैं, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, पहले भी माही भाई और दिनेश कार्तिक, माही भाई और पार्थिव भाई दोनों के दोनों खेले हुए हैं। तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं था कि इनको रिप्लेस करना है या मेरे को ये करना है, मेरे को था कि इनके साथ में ही खेलना है मुझे। अभी फिलहाल तो मैं छोटा मोटा लीग वगैरह खेलता रहता हूँ इधर उधर, अभी भी बॉडी फिट है, तो कहीं ना कहीं लीग का, जैसे आज भी मैं प्रैक्टिस करने गया था, थोड़ा ट्रेनिंग किया मैंने, प्रैक्टिस किया, तो मैं करता रहता हूँ कि कभी भी कोई कॉल आए कहीं से, किसी को कीपर बैट्समैन ओपनर बैट्समैन की जरूरत हो किसी टीम को, तो आई एम रेडी टू प्ले, तो स्टिल आई एम प्लेइंग। लीग के आगे क्या रहता है। हाँ So you are open if you get any international opportunity, कोई बाहर की इंटरनेशनल लीग्स टीम हो जैसे लीग लीग्स टीम वगैरह हो। होती है आजकल, T20 और T10 लीग्स काफी हो रही है। अबू धाबी में आप देखेंगे, ओमान में देखेंगे, बहुत सारे लीग्स होते हैं जहाँ पे उनको प्लेयर्स की जरूरत होती है, तो आई मेक श्योर दैट आई स्टे फिट, इफ समडे समवन सम टीम रिक्वायर्स, सो आई कैन आई मेक श्योर दैट दैट टीम विल विन। एंड अपार्ट फ्रॉम लीग्स एसोसिएट नेशंस को भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स की काफी जरूरत रहती है, तो यू आर ओपन फॉर दैट एज वेल। अगर किसी को किसी को जरूरत है अगर, तो आई एम रेडी टू सर्व देम। ये सर किसी को पता ही नहीं था, आप आज लग रहा है आप ऑफिशियली पहली बार अनाउंस कर रहे हो। इसको करिए एसोसिएट नेशन में, अगर उनको जरूरत हो किसी की, कीपर बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन किसी की जरूरत हो, तो आई एम रेडी टू सर्व देम। Which country wouldn't like to have you? I mean, you are so experienced, and we are glad that you are announcing it here. A lot of relevant people को शायद ये information useful रहेगा, because शायद not many would be aware about this that you are still open to playing professionally. ओपन टू ऑल, नाउ आई एम ओपन। आपने जब ऑस्ट्रेलिया के आप टूर पे थे सर, तभी आपने 3 बैक टू बैक शतक मारे थे, और वो इंक्लूडिंग 1 डबल 100 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद दुलीप ट्रॉफी में भी आपने 100 मारा, तो वो टेक अस थ्रू दोस डेज। हाउ वाज द माइंडसेट, क्या मेमोरीज थी, क्या इंटरेक्शन था प्लेयर्स के साथ? कुछ भी नहीं था, प्लेयर्स के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं, अपने काम में ज्यादा ध्यान था कि क्या करना है मुझे, और मेरे को पता था कि मैं वो टाइम अच्छा मतलब मैच्योर वो टाइम हो गया था, मैं 28-29 साल का था मैं, तो मेरे को मैच्योरिटी थी मेरे पास मैच जिताने के लिए बड़े लेवल पे। ऐसा ये नहीं था कि मैं जाऊंगा इंडियन टीम में, यंगस्टर गया और फिर वो सीखेगा, जैसे आज होता है कि वो सीखते हैं वहीं पे खेलते हुए सीखते हैं और फिर आगे परफॉर्म करते हैं, पर मैं डोमेस्टिक में सब सीख चुका था। मेरे को पता था कि
रन बनाते हैं, क्या सिचुएशंस रहती है, किस सिचुएशन में बैटिंग आती है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, क्या एप्लीकेशन रहता है, तो वो सब मुझे पता था। तो मेरा यही था कि अभी कभी भी मुझे चांस मिलेगा तो आई एम रेडी टू मेक बिग रन। एडिलेड के अंदर हमारे टेस्ट मैच थे, एक्चुअली ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच थे हमारे, एलन बॉर्डर फील्ड पे थे, तो मतलब अच्छा विकेट रहते हैं वहाँ पे, बैटिंग के लिए भी अच्छा रहता है, बॉलिंग के लिए भी अच्छा रहता है, और वो टाइम मेरा फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो मतलब टच वुड जब भी मैं बैटिंग करने जाता था तो मेरे को बहुत बिलीव रहता था कि मैच, वो फर्स्ट टेस्ट मैच भी हम लोग लूजिंग पोजिशन पे आ गए थे, फिर मैंने वो टेस्ट मैच को सेव किया था 100 बना के, तो मतलब काफी बढ़िया टाइम था वो टाइम। और आने के बाद फिर दिलीप ट्रॉफी हुआ तो मैंने वहां पे भी 200 बनाया था, हमने नॉर्थ जोन टीम जो फुल्ली पैक थी वो टीम को, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ऋषि धवन, युजवेंद्र चहल, उन लोगों के सामने रन बनाए थे, तो काफी कॉन्फिडेंट था कि मैं खेलूंगा। अनफॉर्चुनेट रहा कि इतना नहीं खेल पाया, लेकिन बट आई हैव डन माय एंड योर ओडीआई एंड टेस्ट डेब्यू वर्सेस श्रीलंका टाइम पे क्या वहां की क्या एक्सपीरियंस आप लेके आए श्रीलंका से? से मैं पिक हुआ था एक्चुअली आईपीएल की मेरी परफॉर्मेंस से, मैं वनडे टीम में और टी20 टीम में जिम्बाब्वे टूर के लिए पिक हुआ था, माही भाई ने रेस्ट का डिसाइड किया था, तो उसमें ये हुआ था कि मैंने आईपीएल में, मैं टॉप 3 रन गेटर्स में था, जैक कालिस, सचिन पाजी और मैं, हम 3 थे, तो इसलिए मेरा नाम आया था वहां पे। आई थिंक मैंने क्लोज टू 400 रन बनाए थे उस आईपीएल सीजन के अंदर, और 2-3 मैंने मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली थी, तो वो बेस पे मुझे इंडियन टीम में जगह मिली थी। तो I'm very thankful that the IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप वहां से वनडे T20 टीम में, आजकल तो लोग टेस्ट टीम में भी जगह बना लेते हैं वहां से, पर मैंने वहां से वनडे T20 टीम में अपनी जगह बनाई थी, वहां की परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो सिलेक्टर्स आपको देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई एप्लीकेशन कर रहे हो, उस क्या आप में कैलिबर है, और वो सब आपको समझ जाते हैं, एंड देन दे पिक यू फॉर द इंटरनेशनल टीम। सो थैंक्स टू IPL टीम, यू एंजॉयड द मोस्ट? आई थिंक जहाँ पे मुझे ऊपर खेलने का मौका मिला मैंने वही टीम में ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि मैंने उस टीम को मैच भी जिताया, मैंने रन भी बनाए, तो मैंने राजस्थान रॉयल्स को पहले खेला था तो मैंने उसके लिए 400 रन बनाए थे, उसके पहले भी साउथ अफ्रीका में मैंने कुछ 170-180 रन बनाए थे 6-7 मैच के अंदर, तो मेरा IPL के वहां पे बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में गया, तो दिल्ली में भी मैंने नीचे बैटिंग ऑर्डर था पहले, तो आई वॉज नॉट हैप्पी, फिर सेकेंड सीजन में मुझे ऊपर कर दिया गया तो मेरे 150 आए वहां पे, थर्ड सीजन में मैंने 2 मैच में परफॉर्म नहीं किया था तो देन आई वाज ड्रॉप फ्रॉम द टीम, देन अगेन मैं आई वाज पिक्ड इन सनराइजर्स टीम, वहां पे मेरा पहला साल बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे बैटिंग ऑर्डर अप, मेरे को बैटिंग मिला था कि 3 नंबर में बैटिंग कर रहा था, लेकिन फिर बाद में फिर से नीचे कर दिया था बैटिंग ऑर्डर, तो आई लव टू बैट टॉप ऑफ द ऑर्डर बिकॉज मेरे को मतलब अच्छा लगता है, मतलब अगर वंस आई विन आई मेक श्योर दैट माई टीम विल विन, तो नीचे मेरा वो नहीं देखे, वो क्वालिटी नहीं है मेरे पास कि मैं जाके और 3 बॉल बचाओ तो कायरन पोलार्ड के जैसे 3 छक्के लगा लूं, वो थोड़ा सा स्टार्ट दिक्कत आती है। लोग ने RS वर्ल्ड सीरीज में भी देखा आप कैसे 2000 बैटिंग कर रहे थे तो वहां का क्या एक्सपीरियंस और मोमेंट्स थोड़ा शेयर कीजिए। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, ज्यादा प्रेशर आप पे होता नहीं है, मैच बाय मैच आपको रहता है, जस्ट यू हैव टू स्कोर रन्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट पीपल जो भी आए वहाँ पे वो एंजॉय करे, तो आप फ्री फ्लोइंग आप बैटिंग कर सकते हो वहाँ पे, थोड़ा सा कभी कभी प्रेशर आता है कि 40 बॉल पे 80 रन चाहिए या कुछ ऐसा रहता है, और अपने को मस्ट विन मैच रहता है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी इतना मजा आता है खेलने में। अब नाउ आई हैव प्लेड ऑलमोस्ट मोर देन 20 इयर्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेला हुआ, खेलता हूं तो आई जस्ट एंजॉय, आई मेक श्योर दैट आई एंजॉय ईच एंड एवरी मैच, ईच एंड एवरी बॉल ऑफ द मैच, तो उसके लिए मैं पहले से अपना वर्कआउट वगैरह सब करके रखता हूं जिससे कि बॉडी फिट रहे, बैट चलता रहे, ऐसा अनटच ना लगूं, बिल्कुल रस्टी ना लगूं, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का फील होता है। एकदम माशाल्लाह बहुत अच्छे शेप में लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई 25 साल का बैट्समैन कर रहा है बैटिंग, मैंने पूरी इनिंग आपकी देखी है तो आई नो ईच एंड एवरी शॉट विच यू स्मैश, वो सेंचुरी जब आपने मारा था RS वर्ल्ड सीरीज में, तभी कौन से प्लेयर्स के साथ वापस मिलना हुआ, इंटरेक्शन हुआ RS वर्ल्ड सीरीज?
थे जो रिटायर हो गए थे, और जब वो जो अब लीग वगैरह खेलते हैं या कॉमेंट्री वगैरह करते हैं, लेकिन स्टिल दे आर फिट टू प्ले लीग क्रिकेट. सो दे मॉर्ने मॉकल था, केविन पीटरसन था, मुथैया मुरलीधरन थे, काफी सारे बड़े नाम थे, इरफान था, यूसुफ था, मुनाफ पटेल था, ये सब के साथ हम खेले हैं. तो वो वापस आते हैं, वापस प्रैक्टिस करते हैं, वापस खेलते हैं. इरफान का आज भी एटीट्यूड वैसा ही है, ही मेक श्योर कि वो एकदम एक दो घंटा बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, सब कुछ करके जाए वो ग्राउंड से. तो आई थिंक अच्छा गुड, मतलब मजा आता है खेल. दो डेकेड्स का क्रिकेट तो खेल ही लिया है, तो काफी सारे स्लेजिंग मोमेंट्स हुए होंगे. टेक अस थ्रू सम ऑफ दोस व्हिच यू रिमेंबर एंड आल्सो डू नेम द प्लेयर्स. एक्चुअली बाद में मैंने स्लेजिंग करना बंद कर दिया था, बिकॉज मेरे को हमारे कोच ने सर ने समझाया था कि नमन दिस इज नॉट अ गुड थिंग अब्यूजिंग करना है करना. तो एक बार मेरा हुआ था क्योंकि हमारे सीनियर्स ने बोला था कि आई वॉज यंगर इन द टीम, मोस्ट यंगस्टर, बोले तुम कुछ बोलते नहीं हो एंड यंगस्टर तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं एंड दे स्लेज सीनियर्स, उसको आउट करना रहता है. तो केरला की बात है, केरला के अंदर हमारा सेमीफाइनल मैच था प्लेट ग्रुप का, एमपी वर्सेस केरला, हम हार गए हालांकि. और उसमें यही हुआ कि मैंने स्लेजिंग करा और मेरे को बाद में ऐसा लगा कि नहीं वो सीनियर प्लेयर था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको. और फिर बाद में मैंने उनको सॉरी भी बोला. और फिर मैंने उसके बाद से मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान दिया कि मुझे कैसे परफॉर्म करना है, मुझे कैसे इंडिया के लिए खेलना है, बजाय कि किसी को स्लेजिंग करने से अच्छा. नहीं, फास्टेस्ट बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में मिला खेलने को आपको ये टेस्ट मैच, जैसे मैंने जो सबसे फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में ही खेला था एक्चुअली उस टाइम, एशले नॉफ्की हुआ करते थे उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर एशले नॉफ्की, वो भी काफी तेज बॉल डालते थे. इसके अलावा मिचेल जॉनसन तेज डालते थे, मिचेल जॉनसन का बॉल काफी तेज आता था, ही वॉज वेरी क्विक एक्चुअली जब वो थे, तो वो काफी तेज डालते थे, उनका बाउंसर भी तेज आता था क्योंकि राउंड आर्म एक्शन था उनका, थोड़ा राउंड था उनका आर्म, तो बॉल स्विंग भी अच्छा होता था. वो थे, ये थे. और इसके अलावा मैंने उनको खेला, जेरमी लॉसन जो वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर थे, वो काफी तेज बॉल डालते हैं, उनको मैंने एलए के अंदर खेला था, हमारे T20 टूर्नामेंट था, तो उसमें भी वो काफी तेज बॉलिंग कर रहे थे, तो वो उस टाइम वेस्टइंडीज के लिए खेल रहे थे, तो काफी तेज बॉल डाल रहे थे. डोमेस्टिक लेवल पे आपको ऐसे कौन से बॉलर लग रहे हैं जो फास्ट बॉलर? डोमेस्टिक जब मैं खेला तो फास्ट बॉलर्स अच्छे थे, हालांकि हमारा कुलदीप सैन करके एक फास्ट बॉलर है, वो अच्छा तेज डालता है, 140 स्पीड, अभी आपने आईपीएल में देखा राजस्थान रॉयल्स को खेला, वो हमारे साथ दो तीन. आवेश खान, मैं भूल गया, आवेश अच्छा तेज डालते थे नेट्स पे, मैं उनको खेलता था पहले, तो आवेश काफी तेज थे, कुलदीप तेज थे, हमारे पास फास्ट बॉलिंग एमपी के पास काफी अच्छा अटैक है, तो ये दोनों तो नाम मैं ले रहा हूँ. उसके पहले जब ईश्वर अपने पीक पर थे, ईश्वर पांडे, वो भी उन्होंने भी, तो वो भी हमारे साथ खेले हैं. तो सर लास्ट टू क्वेश्चंस एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग यंगस्टर्स. सबसे पहले तो आप यंग विकेट कीपर्स के लिए एक ड्रिल बताइए जो उन्हें डेली यू नो ध्यान में रखना चाहिए या प्रैक्टिस करना चाहिए. आई थिंक उनको सबसे पहले तो कैचेस पकड़ना चाहिए थोड़ा सा, और बहुत ज्यादा नेट्स में कीपिंग नहीं करना चाहिए, जिससे एक या दो बैट्समैन, ज्यादा से ज्यादा दो बैट्समैन कीपिंग करना चाहिए. उसके अलावा बैक को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए अपना, क्योंकि क्या होता है कि यंगस्टर काफी झुके झुके कीपिंग करते हैं, तो बैक में क्या होता है दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा. छोटी उम्र में आप छोटे रहते हो तो इतना ज्यादा बहुत लंबा कीपिंग नहीं करना है आपको, छोटा 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 पकड़ना है, कैचेस भी पकड़ना है, तो 10 कैच पकड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया, बात किया, फिर इस तरीके से आप 50-60-100 कैच आप पकड़ो. बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा करना है, और सिंपल सा ड्रिल है कि अपने हाथ खोल के रखो और बॉल को देखो आखिरी तक, और किसी को बोलो कि ग्रास के ऊपर, नॉर्मल ग्रास जो रहती है अपने ग्राउंड पे, ग्रास रहती है हाथ हैं तो मॉइस्चर, तो उसपे किसी को बोलो कि राउंड आर्म से बॉल फेंकेगा, हेलमेट लगा के आप उस बॉल को, आप तो जब आप वन बाउंस वो बॉल को आप पकड़ोगे तो आपको काफी फायदा रहेगा. सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपने परस्यू किया है तो आपको फुल 100% देना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा लाइफ में. उसके अलावा आपको अपना स्किल का स्किल सेट जो है आपका, बैटिंग बोलिंग फील्डिंग जो भी आप कीपिंग करते हैं, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो आप कैसे इम्प्रूव करेंगे,
और कोशिश करिए, आप जो भी आप जैसे भी खेलते हैं थोड़ा सा आपको ये ध्यान लगाना पड़ेगा कि आपको रन्स बनाने हैं, और अगर आप सेट होते हैं तो आपको बड़े रन्स बनाने हैं हमेशा, और अपना फिटनेस पे ध्यान देना है, डिसिप्लिन में रहना है, तो आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल। ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन में डिसिप्लिन में रहा तो रिजल्ट आएगा, 10 साल 5 साल आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को कि मैं यहाँ से 7 8 साल तक मैं यहाँ पे अपना मतलब प्रैक्टिस करूंगा, डिसिप्लिन में रहूंगा, मैं अपने आप को 7 साल 8 साल 10 साल देता हूँ, उसके बाद देखूंगा क्या पोजीशन पे है, क्योंकि हर कोई फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है, गेम ऐसा है कि डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए। और तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको पूरा पूरा 100% ध्यान लगाना है। सर एक आखिरी कुछ ड्रिल्स बताइए जो यंग बैटर्स यू नो दे कैन प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। नॉर्मली आप अपना पुल करिए, आप पुल कर प्रैक्टिस करिए, ड्राइव का करिए, किसी को भी बोलिए कि वो आगे बॉल डालेगा, मट्टी में खेलिए, मट्टी जो होता है नॉर्मल मट्टी में आप खेलो, जिससे कि आप बॉल के ऊपर जाके उसको बराबर लीन होके मारो आप, क्योंकि क्या होता है कि अगर सरफेस अच्छा रहता है तो आप दूर से बैट चलाने लग जाते हो, थोड़ा सा खराब रहता है तो आप पद पे जाते हो, और सेम और पुल का प्रैक्टिस करो आप, कट का प्रैक्टिस करो, ड्राइव करो आप, ये सब आप प्रैक्टिस करो। आप तो छोटा और बहुत बड़ा प्रैक्टिस नहीं करना है कि 2 2 घंटा प्रैक्टिस करना है, अगर आप 40 45 मिनट्स का एक अच्छा इंटेंस सेशन करते हो तो ये एक दिन के लिए काफी होता है आपके लिए। तो आप कोशिश करें कि जितना आप करें उतना परफेक्शन पे आप जाएं, कि जितना अच्छा आप बॉल को मार सकते हैं वो आप करिए, उसके अलावा नेट्स वगैरह होती है आप वो करें, आप ट्रेनिंग पे थोड़ा ध्यान दें, जो भी आपका रिहैप प्रिहैप है, जहाँ पे भी आप वीक हो बॉडी के अंदर शोल्डर में नीज में, उसका आप स्ट्रेंथनिंग करते रहो, आप बैक बैक आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट मसल है, बैक का स्ट्रेंथनिंग करते रहो, स्पेशली विकेट कीपर बैट्समैन जो है तो, और इंजॉय करो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक कोई एक टफ सिचुएशन है वो भी आप इंजॉय करो, सवेरे उठना भी इंजॉय करो, जल्दी सोना भी इंजॉय करो, ये सब चीजें इंजॉय कर, अगर आप इंजॉय करोगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा आपके लिए। तो आई बिल्कुल विश बिल्कुल ऑल द वेरी बेस्ट एंड दे डू वेल। थैंक यू आदित्य फॉर हैविंग मी, थैंक यू।